हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी के सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय नेगी UK 11। दोस्तों, अभी अर्ली मॉर्निंग का समय है और 7 बजने को है सुबह के, और मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ अपने घर से आगे। और आपको बता दूँ, ये सड़क और आगे को ये सड़क जा रही है सिमली की ओर, कर्णप्रयाग से सिमली और नैनीताल रोड आप कह सकते हैं, और यही मेरा विलेज है इधर। और अभी सुबह सुबह जो है आप देख सकते हैं नज़ारा, ये देखिए लोगों की लाइट अभी ऑन है और इधर भी आप लाइट्स देख सकते हैं, ज़्यादातर लोगों की ऑन है। और अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा आप देखें, एकदम प्लीजेंट। तो फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग का बेनिफिट यही है कि नो पॉल्यूशन, नो डिस्टरबेंस और नो यू नो ट्रैफिक, ये एक चीज़ होती है। ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है, पॉल्यूशन होता नहीं है और एक अलग ही ताजगी आपके दिलो दिमाग में छा जाती है। ये एक बेनिफिट होता है अर्ली मॉर्निंग का। और ये है हमारे गांव में, यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है और ये है पीपल का विशाल काय वृक्ष। आप देख सकते हैं इस पेड़ को, कितना बड़ा पेड़ है ये। और इसकी टहनियाँ, शाखाएं आप देखें, वाव। किसी ने अपना ट्रक वाहन यहाँ पर लगाया हुआ है, ये है पार्किंग। यहाँ पे बच्चों के लिए, खेलने कूदने के लिए। यहाँ पर भी जो है किसी का भवन बन रहा है और यहाँ से नीचे का नज़ारा देखिए फ्रेंड्स, खूबसूरत अर्ली मॉर्निंग का व्यू। ये पिंडर नदी है दोस्तों, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलकर आ रही है और कल कल ध्वनि आप सुन सकते हैं माँ पिंडर नदी का। और ये नीचे यहाँ पर कुछ खेत खलियान आपको देखने को मिल रहे होंगे और सामने घना जंगल। और दोस्तों, ये इंडियन गैस का यहाँ पर ट्रक जा रहा है और ये सड़क, और सड़क के इधर से आप देखिए ये विशाल काय कुछ वृक्ष दोनों ओर, और इधर जंगल का टाइप का एरिया आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको हमारे विलेज पाडली गांव का नज़ारा, ऊपर से ये गांव कि कुछ घर ऊपर के और ये नीचे के घर, यहाँ पर काफ़ी लोग बसे हुए हैं। अब यहाँ का नज़ारा आपको दिख रहा होगा और एकदम इधर से ये नदी का आप मधुर संगीत, मधुर धुन, सुबह सुबह इसकी कलकल करती हुई जो ये ध्वनि है ये आपको सुनाई दे रही होगी। और ज़बरदस्त नज़ारा। अभी जो है सूर्योदय, आप भगवान सूर्य के यहाँ पर दर्शन अभी नहीं हुए हैं। और अर्ली मॉर्निंग का ये खूबसूरत सा नज़ारा दोस्तों। और दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा ठहरा हुआ हूँ और आप नदी का प्रभाव देखिए और सामने का घना जंगल देखिए आप, बहुत सारे पेड़ पौधे। और जो है आप उसमें देखिए कितने पशु पक्षी होंगे, कितनी बेशकीमती वनस्पति होगी, ये आप जरूर देख सकते हैं। ये है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इट इज़ लाइक कि मतलब ग्रीन गोल्ड जिसे कहते हैं, जो जंगल होते हैं ना, हमारा जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनको हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं, ग्रीन गोल्ड के समान है। इसलिए इनकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है। जो आग लग जाती है जंगलों में, वनाग्नि, ये काफ़ी दुखदाई है। मेरा निवेदन है सभी लोगों से
कि इसके प्रति जागरूक होइए। ये नहीं कि कहीं पे आपने धूम्रपान किया, उसको फेंक दिया जंगल में ही, तो वो आग पकड़ लेती है और इतनी हमारी बेशकीमती वन संपदा जो ग्रीन गोल्ड है वो जल जाता है, इतने पशु पक्षी जो रह रहे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की चेतना है हम लोगों में जो होनी चाहिए। दोस्तों इधर पूरी पहाड़ी पे जंगली जंगल है, ये नदी का तट और यहाँ से ऊपर तक जंगली जंगल है आप देखिए, और सड़क के इस ओर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ भी पेड़ पौधे, ऊपर चट्टान और बीच में जंगल का एरिया। दोस्तों ये है गदेरा जो कि पहाड़ों में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, छोटी नदी, इसको गदेरा कहते हैं और इसकी कलकल ध्वनि भी जो है हमें ओतप्रोत कर देती है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में, सुबह के समय में, तो वाह क्या कहने, बहुत सुंदर एक इसका जो ध्वनि है वो हमें आनंद देता है, क्योंकि इस समय अदर आवाज़ नहीं है ना, अदर डिस्टर्बेंस नहीं है, दूसरे तरीके का कोई दिक्कत परेशानी, कोई आवाज़ नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है। और यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर पुल बंधा हुआ है और फिर यहाँ से एक गदेरा ये भी जो है यहीं पिंडर नदी में जा रहा है। और इस तरीके से नदियों में बहुत सारे जो गदेरे होते हैं, स्रोत होते हैं पानी के, उनका पानी भी मिलता है। दोस्तों नदी के साथ साथ आपको बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, नदी के किनारे विशालकाय पत्थर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे पत्थर नदी में ही बहकर आते हैं और साथ में जो ये रेत है यहाँ पर वो आपको देखने को मिल रही होगी। नदी के साथ साथ रेत आती है, पत्थर आते हैं और इन्हीं पत्थरों का, इसी रेत का इस्तेमाल आज मनुष्य अपने घरों को बनाने के लिए, मकानों को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों यहाँ का नज़ारा देखिए, खेतों की हरियाली और नीचे से नदी और सामने ये यहाँ पर बोर्ड आप देखिए, धार्मिक तीर्थ नगरी कर्णप्रयाग में नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो कर्णप्रयाग वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये हमारे गांव का ही एक ढाबा है, रेस्टोरेंट तो लिखा भी है यहाँ पे, व्यू पॉइंट रेस्टोरेंट विलेज पार्डली। अगर यहाँ से होकर गुजरते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइए आप लोग। मोहित भाई सुबह सुबह अच्छा काम कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, घर की सफाई। और ये देखो यहाँ पर अंगीठी में केतली रखी हुई है, सुबह सुबह इस दृश्य को देखने का हर किसी का मन करता है। चाय उबल रही है यहाँ पे और सफाई चल रही है, सफाई अभियान। ये दोस्तों यहाँ पर गांव की महिलाओं ने किस तरीके से जंगल से घास लाया है और घास को यहाँ पर लगाया हुआ है, ये पेड़ों पे इस तरीके से इस घास को लगाया जाता है। तो हमारे गढ़वाली में ऊ कहते हैं इसको, ऊल है वल डांडा बेटिन बॉन बेटिन। और ये यहाँ पर मवेशियों के लिए ये गौशाला भी है, यहाँ पे इस तरीके से घास उस देखो दे दिया है इसको सुबह सुबह भैंस को। और देख सकते हैं बहुत सारा घास, इतनी मेहनत है लोगों की जो जंगल से जो है घास लेके और इस तरह से लगा देते हैं, फिर जब आवश्यकता होती है तो देने को होता है। और ये मेरे चाचा लोगों का घर और वो है हमारा घर, मैं आ चुका हूँ। तो दोस्तों फाइनली मॉर्निंग वॉक करके जो है मैं अपने घर को वापस आ ही गया हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मॉर्निंग वॉक का। और ये देखो ये छोटा सा बाड़ा हमारा, यहाँ पर कुछ हरी सब्जियाँ हमने उगाई है। तो अब चलते हैं अंदर और पीते हैं गर्मा गर्म चाय। दोस्तों अब आ चुकी है गर्मा गर्म चाय और चाय का एक अलग ही आनंद होता है गर्मा गर्म चाय का अर्ली मॉर्निंग में, ताजगी हमें मिलती है उससे।